भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेले जाने वाले दूसरे वनडे मैच के लिए दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने होलकर स्टेडियम में जमकर पसीना बहाया। टीम इंडिया के खिलाड़ी अभ्यास के दौरान मैदान में पहले पहुंचे और तीखी धूप के बावजूद भी जीत की दरकार के कारण सभी खिलाड़ियों ने जोरदार प्रैक्टिस की। इंदौर की सरजमी पर क्रिकेट के सितारे, भारतीय खिलाड़ियों में दिखा जज्बा। क्या इंदौर का ग्राउंड दिला पाएगा इंडिया को जीत? भारतीय टीम को भी अब जीत की दरकार। अभ्यास सत्र में जमकर बहाया खिलाड़ियों ने पसीना। इंदौर की सरजमी पर 14 अक्टूबर को आयोजित मैच में भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीम अपना बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस देना चाहती है। जहां भारतीय टीम को जीत की दरकार है, तो वहीं लगातार T20 और एक एक वनडे मैच को जीतने के बाद दक्षिण अफ्रीका की टीम आत्मविश्वास से भरी है। ऐसे में भारतीय खिलाड़ी मंगलवार को अभ्यास करने के लिए स्टेडियम पहुंची, जहां सभी खिलाड़ियों ने जमकर पसीना बहाया। भारतीय टीम मंगलवार सुबह 9:20 पे होलकर स्टेडियम पहुंची। हल्का वार्म अप करने के बाद भारतीय खिलाड़ी फुटबॉल खेलने में जुट गए। टीम के सभी सदस्य काफी देर तक फुटबॉल खेलते रहे। अजिंक्य रहाणे, विराट कोहली सहित कई खिलाड़ी फुटबॉल खेलते दिखाई दिए।
इंदौर के होलकर स्टेडियम में महामुकाबले का इंतजार अब धीरे धीरे कम होते जा रहा है और 14 अक्टूबर यानी कि कल की वो तारीख है जब दक्षिण अफ्रीका और भारत की टीम इस महामुकाबले में एक दूसरे के सामने होगी। जिस तरह से होलकर स्टेडियम का नजारा है, ठीक मैच से एक दिन पहले टीम इंडिया ने बल्लेबाजी का जो है वो यहाँ पर अभ्यास किया है और टीम इंडिया के जो गेंदबाज है वे भी लगातार जो है वो यहाँ पर पसीना बहा रहे हैं। नेट्स पर लगातार गेंदबाजी का दौर जारी है और टीम इंडिया के जो सितारे हैं, जो स्टार्स खिलाड़ी हैं, वे भी लगातार मैच को लेकर कड़ी मेहनत कर रहे हैं। जिस तरह से टीम अभी फिलहाल पूरे दौर से गुजर रही है, T20 की बात करें या फिर पहले वनडे मैच की बात करें, टीम इंडिया को करारी शिकस्त यहां पर मिली थी पहले वनडे में और उसके बाद अब वापसी का इंतजार टीम इंडिया के खिलाड़ी कर रहे हैं। इंदौर का होलकर स्टेडियम की सबसे बड़ी तासीर ये रही है कि अब तक टीम यहां पर अच्छा परफॉर्म करती आई है और जितने भी मैच खेले हैं उनमें जो है वो टीम को यहां पर जीत ही मिली है। ऐसे में इस बार उम्मीदें यही लगाई जा रही है कि टीम एक बार फिर से इस गांधी मंडेला सीरीज में वापसी करेगी और टीम इंडिया के जो दर्शक हैं, जो टीम इंडिया के क्रिकेट फैंस हैं, उनको कहीं ना कहीं होलकर स्टेडियम में एक बार फिर से जीत का जश्न मनाने का मौका मिलेगा। क्रिकेट फैंस की हम लोग बात कर रहे हैं, बड़ी संख्या में क्रिकेट फैंस अपने जो फेवरेट खिलाड़ी हैं, जो सितारे हैं, उनको निहारने के लिए पहुंचे हैं। बड़ी संख्या में यहां पर खिलाड़ियों की फोटो ली जा रही है और साथ ही इस खास पल को, जो प्रैक्टिस का सेशन है, उसको अपने कैमरों में कैद करने का एक उत्साह नजर आ रहा है। जिस तरह से टीम इंडिया ने अब यहां पर अभ्यास किया है और कल का मैच किस तरह से होता है और कैसे टीम इंडिया के सितारे, धोनी ब्रिगेड की पूरी जो है वो टीम है, वो धोनी की कप्तानी में किस तरह से परफॉर्म करती है और एक बार फिर से क्या इंदौर की सरजमी पर इतिहास रचा जाएगा, ये देखना भी लाजमी होगा। लेकिन जिस तरह से क्रिकेट प्रेमियों का उत्साह है, उससे इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है कि टीम इंडिया के सामने बड़ी चुनौती है, क्रिकेट फैंस की उम्मीदों पर खरा उतरने की जो है वो चुनौती है और धोनी ब्रिगेड की कहीं ना कहीं साख दांव पर है कि कैसे भी टीम इंडिया को इस सीरीज में वापसी दिलाई जाए ताकि जो क्रिकेट फैंस है उनकी नाराजगी दूर हो, उनकी उम्मीदें पूरी हो। बहरहाल अब कल जो मैच होने जा रहा है उसको लेकर टीम इंडिया ने पूरी तरह से तैयारी की है, साथ में यहां पर मंथन भी किया है। अब देखने वाली बात यह होगी किस तरह से टीम इंडिया कल के मैच में और कल के मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को कड़ी चुनौती दे पाती है। फिलहाल कैमरा पर्सन शैलेंद्र गुर्जर के साथ पीयूष पारे, डीलाई न्यूज, इंदौर।